मोदी जी ने जब से देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम करना शुरू किया, उन्होंने देश के ऐसे लोगों की चिंता करी जिनके पास मकान नहीं है, जिनके घरों में जो है गैस के सिलेंडर नहीं पहुंचे हैं, जिनको स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। उस कड़ी में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, आज हमने उसका यहाँ पर शिलान्यास किया है। लगभग 2400 से ज़्यादा मकान आज उनके शिलान्यास हुए, जल्दी ही जो है बनकर तैयार हो जाएंगे तीन योजनाओं में। और इस प्रकार की योजना के तहत लगभग पूरे प्रदेश के अंदर अभी अनेकों स्थानों पर 20,000 से भी ज़्यादा मकान हमारे गरीब परिवारों को दिए जाने हैं। और जिनके भी जो भी पात्रता में उसमें आते हैं, जो भी गरीब परिवार हैं, उन सभी को इस योजना से आच्छादित किया जाएगा। धीरे धीरे उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में सब ठीक है। देखिए, हमने कहा है कि कानून अपना काम सख्ती से करेगा, कहीं पर भी किसी को भी कोई भी हालात बिगाड़ने की किसी को अनुमति नहीं दी है। ये चारधाम यात्रा चल रही है, चारधाम यात्रा को पूरी तरह से व्यवस्थित किया गया है, रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है। लोगों से जहाँ पर अनुरोध करना है वहाँ पर अनुरोध भी किया जा रहा है कि आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवा कर आएँ, अपने स्वास्थ्य के ठीक प्रकार से परीक्षण करवा के आएँ। उसी प्रकार से अभी कांवड़ यात्रा चलेगी, कांवड़ यात्रा भी 2 साल बाद हो रही है। ये भी हम सभी के लिए एक अवसर भी है और चुनौती भी है। हम लोग मिलकर जो है कांवड़ यात्रा को भी अच्छी यात्रा बनाएंगे, भव्य यात्रा बनाएंगे।